और इस वक्त की एक बड़ी खबर, कनाडा में भारतीय मूल की एक महिला की टारगेट किलिंग की गई है। सिख महिला की गोली मारकर हत्या की गई। ओंटारियो प्रांत में सिख महिला की हत्या का ये मामला सामने आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कनाडा से, जहां भारतीय मूल की महिला की टारगेट किलिंग की गई है। एक सिख महिला की गोली मारकर कनाडा में हत्या कर दी गई। ओंटारियो प्रांत में सिख महिला की हत्या का ये मामला हुआ है। तो कनाडा में जिस तरीके से भारतीय मूल के लोगों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है, कई घटनाएं वहां पर हो रही हैं, उसी कड़ी में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां एक भारतीय मूल की महिला की टारगेट किलिंग की गई है। और अब बात करते हैं कोलंबिया की, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से 33 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 33 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सरकार का कहना है कि 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोलंबिया में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हुई। ताजा घटना उत्तर पश्चिम कोलंबिया की है, जहां भूस्खलन ने कई घर तबाह कर दिए। साथ ही इस भूस्खलन की चपेट में एक बस भी आ गई। रेस्क्यू का काम इस वक्त चल रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी तबाही कोलंबिया में, भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुआ और 33 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर मिल रही है। 3 बच्चे इन 33 लोगों में शामिल हैं। 9 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू टीमें इस वक्त लोगों का रेस्क्यू करने में लगी हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, किस तरीके से कोलंबिया में लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई। अब तक इसमें 33 लोगों की मौत हो गई है और बारिश के बाद लगातार अलग अलग जगहों पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड होने की जानकारी मिल रही है। और अब आपको 2 ज्वालामुखी की तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी मौनालोआ की है। ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो मौनालोआ, जहां विस्फोट होने के बाद से लगातार लावा निकल रहा है। देखिए किस प्रचंड तरीके से लावा निकल रहा है इस ज्वालामुखी से। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ज्वालामुखी से इसी तरह लावा निकलता रहा तो जल्द ही पास के मुख्य मार्ग तक वो पहुंच जाएगा और ऐसे में मुख्य मार्ग को बंद करने की नौबत भी आ सकती है। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर इटली की है, जहां स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद लगातार लावा निकल रहा है। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद से ही यहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दे दी गई है। तो 2 एक्टिव वोल्केनो इस वक्त, किस तरीके से उनमें से लावा निकल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौनालोआ की तस्वीरें आप देख रहे हैं हवाई से, और स्ट्रोम्बोली इटली की तस्वीरें भी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।